क्या कह रहे हैं हम, मैं हूँ का प्रकटन ज्ञानावस्था में विचार पूर्वक व्यवहार और विहार के रूप में, होने का प्रकटन जीवावस्था में आशा पूर्वक विहार के रूप में, प्राणावस्था में रचना पूर्वक आस्वादन के रूप में, पदार्थावस्था में गठन पूर्वक गति के रूप में दर्शवे। इसमें आप बाबा ये पदार्थावस्था और प्राणावस्था का तो क्लियर हुआ, जीवावस्था में होने का प्रकटन भी ठीक कहा आशा पूर्वक विहार करने में। मैं हूँ अभी मनुष्य में ही होना रहना दो भाग है ना, उसी को बता रहे। और जीवावस्था में केवल होना का ही प्रकटन है, तीनावस्था। तो मैं हूँ का मतलब होना और रहना, होना रहना दोनों। मतलब मैं हूँ बाकी लोगों से भिन्न हूँ, इस रूप में अपनी स्वीकृति होना, मतलब मैं ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, ज्ञानावस्था की इकाई हूँ, इस तरीके की स्वीकृतियाँ होना, ये यहीं से ज्ञानावस्था में बस ज्ञानावस्था का गेट यहीं से खुला। और होने का मतलब प्रकटन जो जीवावस्था में यह है ना, लेकिन अपना कोई मैं उसका कुछ उसका अलग हूँ या इस तरह का कोई भाव नहीं रहता। रहने का प्रमाण नहीं होता है, होने का प्रमाण तीनों अवस्था में है, मानव में है, होना रहना दोनों का प्रमाण है। मैं हूँ संज्ञा जो है बाबा ये मानव में होने ही होता के, होने के रूप, होने के रूप में ये जीवन स्वयं का होना स्वीकृत रहता है। हाँ, मगर ये मैं जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं ये मानव के रूप में ही प्रयोग होगा, ये जीवन के लिए मैं ऐसा कुछ। हाँ, वो तो मानव के संज्ञा में ही आता है ये। पहले मानव के संज्ञा में, जागृति के बाद जीवन के रूप में, ठीक है ना। हाँ, वो ना ठीक हो गया। अब अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया या वस्तु स्थिति वत्ता की पूर्ण स्वीकृति की अनुभूति है। इसमें अभिव्यंजना जो है वो किसे कह रहे हैं? अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया और या वस्तु स्थिति वत्ता की पूर्ण स्वीकृति की अनुभूति है। अभिव्यंजना किसे कहते हैं? अभिव्यंजना किसको बना, किसको बताया उसका परिभाषा लिखा है अभिव्यंजना का। अभ्युदय के प्रति हमें हमारे बोध हमारे पास पहुंच रहे हैं, अभ्युदय का दे सूत्र व्याख्या हमारे पास पहुंचा। अच्छा, उसको स्वीकारना, उसको स्वीकारना व्यंजना हुआ। बहुत सुंदर। अभ्युदय की सूचना प्राप्त पथ में आ गया। और उसकी पूर्ण ग्रहण क्रिया, उसका ग्रहण क्रिया का नाम है व्यंजना। उसकी पूर्ण ग्रहण क्रिया को या वस्तु स्थिति वत्ता अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया अभ्युदय के अर्थ में सूचना समीचीन हुआ, उसका ग्रहण कर देना है व्यंजना है। उसको ग्रहण कर देना ही व्यंजना है। और वस्तु स्थिति वत्ता, वही वस्तु स्थिति वत्ता है अभ्युदय का अर्थ है। और है राकेश? बस हो गया, ठीक है।